आज हमने इसको समझना जी। नेक्स्ट जी, ये थ्योरी बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाई थी एडवर्ड डिबोनो ने जी, मैनेजमेंट गुरु है जी वो, साइकोलॉजिस्ट है, मैनेजमेंट गुरु है, ट्रेनर है, कंसल्टेंट है, बड़े एजाज हैं इसके पास। दुनिया के जितने भी टॉप पर रूलर हैं, हुक्मरान, सबको कंसल्टेंसी देता है ये। ये जरदारी ने पिछले पाँच साल इससे कंसल्टेंसी लेके पूरे करवाए। है तो वैसे बड़ा अजीब सा कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे का भी ये कंसल्टेंट है, और कंसल्टेंट उसी का ही होता है जो कोई पागल हो। इसे ज़रूरत नहीं कंसल्टेंट की, उसे क्या ज़रूरत है, जो सीखना चाहेगा उसी को सिखाया जाएगा। और इसने किया क्या, इसने टोटल किताबें लिखी हैं जी 57, टोटल किताबें इसने लिखी हैं, और 43 बुक्स लिखी हैं सोच के ऊपर, हाउ टू थिंक। टोटल किताबें 57 और सोच के ऊपर 43 बुक्स, और उसका दावा है कि सोच बदल दे हर चीज बदल जाए। उसके जी दुनिया हमलों से नहीं बदली जाती, दुनिया फतह करने से नहीं बदलती, दुनिया जंगे अजीम बदल करने से नहीं बदलती। उसने कहा इसकी मिसालें बढ़ी, क्या दुनिया बदली, क्योंकि दुनिया तो आपकी अपनी है। दुनिया तब बदलेगी जब आप सोच बदलेंगे। तो आज हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बात मैं फिर वो बात करूंगा जहां पे स्टैब्लिश होना चाहते हैं हम, तो पॉइंट टू भी कनेक्टेड, कि पढ़ना अलग चीज़ है और उसके बाद पढ़ाना भी एक अलग चीज़ है, और उसके बाद समझाना भी हर चीज़ है। हम सब इस ये काम में मसरूफ़ हैं, हम सब ये काम कर रहे हैं। हम को ऐसे ना मैं कोई ऐसा ट्रेनर हूँ, ना ही आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो इस काम से गुजरे नहीं हुए। जो इस काम से पढ़ाना है तो आप मॉन्टेसरी के बच्चे को पढ़ाएं, जो भी इंसाफ पढ़ रहा है उसको पढ़ाएं। तो फ़र्क क्या है यहाँ पे, हमने अपना वो पॉइंट एस्टेब्लिश करना है जिस पॉइंट पे जाके हमारे दिमाग का और बल्ब जले। हमने वो पॉइंट एस्टेब्लिश करना है कि हमारा वो कनेक्शन कहाँ, बल्ब तो है हमारे पास, रोशन क्यों नहीं है, या अगर रोशनी है तो रोशनी कम क्यों है। रिसर्च कहती है कि इंसान अपने दिमाग का 2-3% यूज करता है, अगर वो 0.1% ही बढ़ा ले तो जितने लोगों में वो रह रहा होता है उनसे कदरे मुख्तलिफ हो जाता है। अगर हम देखें कि कितने लोगों में रह रहे हैं, हम सब लोग बैठे हैं तो हमारे जानने वाले को 2-2, 4-4, 500 तो होंगे, हम उन्हीं के साथ रह रहे हैं, तो हम उनसे मुख्तलिफ कैसे होंगे। हम अपने ब्रेन का 0.1% एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे। एक्स्ट्रा यूज़ करने के लिए साइंस क्या है, माइंड को लिटरल थिंकिंग देंगे, क्रिएटिव थिंकिंग देंगे, हर चीज़ को देखने का अंदाज बदलेंगे। जिसको शायर ने भी थोड़ा एक्सप्लेन किया कि देखने के अंदाज बदल जाते हैं, कफन भी उसी तार से बनता है, आंचल भी। अब आंचल देखते हैं तो तबीयत बदल जाती है, कफन देखते हैं तो कहते हैं अफसोस मेरा भी यही रास्ता है। हुआ क्या, आंखें भी वही, चीज़ें भी वही, अंदर से फीलिंग कैसे चेंज, किसने चेंज कर दी। ना इरफान साहब ने कुछ कहा, ना साले साहब ने कुछ कहा, ना आपने कुछ कहा, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। आंचल देखा तो चेंज है, कफन देखा तो चेंज है। कौन सी चीज़ ने इम्पैक्ट किया, और उसी लम्हे
एक ही लम्हा है जी, उसी लम्हे इससे साबित हुआ कि जिंदगी महीनों सालों सदियों से नहीं बदलती, उस लम्हे बदलती है जिस लम्हे आप सोच लेते हैं। तो इसने भी सोच बदलने के लिए 43 बुक्स लिख दी हैं जी।